यहाँ ऐसा स्थान है कि घर से लोग उबे हुए, प्रताड़ित लोग, जो अपने से स्वयं से निराश लोग, ऐसे लोग आकर के यहाँ कभी कभी डूबने का प्रयास किए, नदी में कूद गए, किसी तरह उनको बचाया गया। अब जब उनकी कहानी सुनी गई, पता चला कि ये घर से प्रताड़ित हैं या असहाय हैं, बीमारी से परेशान हैं। लड़के सब जो है हमारे साथ छोड़ दिए हैं, तो हम जो है अब कहाँ जाएं, बुजुर्गी है, इसी में आए हैं। परिस्थिति बहुत नाजुक हमारा है, और जब कई साल में तक चलिए हमारे घर रहिए, अब सब सेवा करेंगे, कई घटा बड़ा कर पूरा करेंगे, सब कुछ काम करेंगे। तो ऐसे लोगों को फिर कहीं रखने की व्यवस्था चाहिए, घर जा नहीं सकते हैं, तो हमने वृद्धा सेवा आश्रम की स्थापना की यहाँ, और उसमें भी इस समय 5-6 लोग तो वर्तमान में है ही हैं, और कुछ लोग आते भी हैं जिस घर से नाराज हो करके, और लोग जान जाते हैं तो फिर आके उनको मना के लिए भी जाते हैं। गुलाब नहीं ये आंधी है, दोहरी घाट का गांधी है। मेरा एक ही जवाब होगा कि जिस दिन गुलाब जी नहीं रहेंगे, उस दिन लोगों को पता चलेगा कि हमने कितनी बड़ी हमारे समाज से हम लोगों के साथ क्षति हुई है, किसको खो दिया, जिसे नगर यहाँ का शिल्पकार, यहाँ का विश्वकर्मा कहता है, यहाँ का गांधी कहता है। कि अगर कभी ऐसा कंडीशन हुआ कि नगर में कुछ भी दंगा जैसा कंडीशन है, तो सबसे आगे आपका चेहरा दिखाई देगा, फिर वहाँ से दंगा अपने आप शांत। इस तरीके की शख्सियत है ये गुलाब जी। इस पड़ाव पे भी, इस उम्र में भी, अभी हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि हमारी खुद की क्षमता नहीं है कि हम उस व्यक्ति के तरह से 10% भी काम हम कुछ कर पाएंगे। हिम्मत तो बहुत रखते हैं कि काम कर लेंगे, लेकिन उनके जैसा हम कर नहीं पाएंगे। वो शख्सियत अलग है, उसकी सोच अलग है। देखिए, जो हम काम कर रहे हैं, इसमें हमारा व्यक्तिगत कुछ लाभ तो है नहीं, इसमें समाज का ही लाभ है। और इस नाते हम समाज से, दोहरी घाट के हों या अन्य सब लोग भी हों, समाज के लोगों से यही आग्रह निवेदन करेंगे और यही अपेक्षा रखेंगे कि इस संस्था को अनवरत वो लोग आगे बढ़ाते रहें, ताकि इस स्थान की मर्यादा बनी रहे, इस संस्था की मर्यादा बनी रहे, और जो इससे जनता को सहयोग मिल रहा है वो जनता को निरंतर मिलता रहे। अब इससे बड़ी खुशी की बात हो रही। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।